हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब? उम्मीद है कि सभी स्वस्थ होंगे। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे एल कार्निटिन कोएंजाइम Q10 जिंक लाइकोपीन एंड एस्टाजेंथिन टैबलेट की। तो आइए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। इस टैबलेट के अगर उपयोग की बात करें तो ये पोषक तत्वों से भरपूर होती है, जो कि न्यूट्रिशनल डिफिशियंसी को पूरा करती है और ये एक न्यूट्रिशनल सप्लीमेंट होता है। इस टैबलेट में भरपूर विटामिन्स होते हैं, मिनरल्स होते हैं, जो कि बॉडी को एनर्जी प्रोवाइड करती है और स्टेमिना प्रोवाइड करती है, जो कि मेल इनफर्टिलिटी को भी ट्रीट करने में मदद करती है और सेक्सुअल हेल्थ को भी प्रमोट करती है। इस दवाई के अगर फायदे की बात करें तो पोषक तत्व से भरपूर होने के कारण हमें कई तरह की बीमारियों से बचाता भी है और इलाज भी करता है। कुछ लॉन्ग टर्म डिसीज है, जैसे पहले से चली आ रही है, लंबे समय से आप परेशान हैं, तो उन डिसीज को ठीक करने में भी मदद करता है और मेल इनफर्टिलिटी को ट्रीट करता है, स्पर्म की क्वालिटी को अच्छा करता है या शुक्राणुओं की क्वालिटी को इम्प्रूव करता है, जिससे कि प्रेगनेंसी धारण करना आसान होता है। इस टैबलेट में उपस्थित जो एस्टाजेंथिन होता है या कोएंजाइम Q10 है, ये एंटीऑक्सीडेंट्स होते हैं जो कि बॉडी को फ्री रेडिकल डैमेज से बचाते हैं। ये टैबलेट अपने कई ब्रांड नेम से मिलती है। कुछ पॉपुलर ब्रांड है जैसे फर्टिस्योर एम है, वेल्टिव Q10 है, कार्नी क्यू है, ओव्यूडस एम है, इसके बाद गाइकोटीन। ये सभी जो ब्रांड नेम है अपने अलग अलग नामों से भी मिलते हैं, जो कि एरिया और डॉक्टर पर डिपेंड करते हैं, लेकिन हमेशा जो इसमें ड्रग कंटेंट है, हमेशा एल कार्निटिन कोएंजाइम Q10 जिंक लाइकोपिन एस्टाजेंथिन ही होता है। इस दवाई के साइड इफेक्ट नहीं होते, लेकिन फिर भी अगर इसके साइड इफेक्ट की हम बात करें तो इससे नोजिया हो सकता है, वोमिटिंग हो सकती है, पेट में दर्द हो सकता है, चक्कर आ सकते हैं, थकान लगना, इरिटेशन होना, रेशेस होना, इसके बाद जो लीवर के एंजाइम है उसमें इम्बेलेंस होना या बढ़ जाना। इस दवाई के साथ में अगर गैस, एसिडिटी या अपच को ट्रीट करने की दवाइयाँ चल रही हैं तो आप ये दवाइयाँ इस दवाइयों को लेने के 2 घंटे बाद ही लें, 2 घंटे के भीतर ना लें। ड्रग वार्निंग की अगर बात की जाए, अगर इस दवाई से आपको एलर्जी है तो आप ये दवाई ना लें। प्रेगनेंसी है, ब्रेस्ट फीडिंग मदर है, तो इस कंडीशन में अपने डॉक्टर को पहले बताना चाहिए। इस दवाई को लंबे समय तक आप ना लें, जितने समय के लिए निर्धारित है उतने समय के लिए ही लेना चाहिए। उम्मीद करती हूँ कि आपको ज़्यादा से ज़्यादा जानकारी मिल पाई होगी। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए, ताकि जिसे ज़रूरत है उस तक ये जानकारी आसानी से पहुँच जाए। ईश्वर से यही प्रार्थना है कि आप सभी स्वस्थ रहें। तो मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में अगले किसी टॉपिक के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।